हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वैकेंसी अपडेट है, ये यूपीएससी की तरफ से है। यूपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट निकाला है थ्रू ओआरए, जो इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट होता है, उसके थ्रू आई है वैकेंसी एसिक में, दैट इज एम्प्लॉयज इन स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ओके, आप सबको पता होगा दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। सो लेट मी शो यू, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है एंड कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, क्या एज लिमिट है, मैं आपको बता देती हूँ वन बाय वन चीज़ें। पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पे और भी कुछ वैकेंसीज हैं नॉन टेक कैटेगरीज में, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जूनियर इंजीनियर के लिए है। वैकेंसी नंबर 6 पे अगर आप आ जाओ तो आप देख सकते हो 58 वैकेंसीज हैं। ओके, एंड दैट इज़ फॉर जेई सिविल इन एसिक, यू कैन सी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवीजन दिया हुआ है। एससी में 10 सीट है, एसटी में 4, ओबीसी में 13, ईडब्ल्यूएस में 5, अनरिजर्व में 6 सीट है, और पीडब्ल्यूडी के लिए यू कैन सी 3 सीट इज देयर। तो यहाँ पे है और सब कुछ। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, लेट मी टेल यू, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड नहीं है। एज लिमिट आप देख सकते हो 30 इयर्स रखी गई है अनरिजर्व कैटेगरी की। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो सो यू कैन क्लेम एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, लाइक एससी एसटी कैन क्लेम 5 ईयर्स, ओबीसी कैन क्लेम 3 ईयर्स। ओके, सो पे लेवल यू कैन सी लेवल 6 का होने वाला है, जो हमारा लेवल 6 का पे होता है दैट इज 35,400 बेसिक पे होता है। उसके बाद ऑल अदर अलाउंसेज हो जाते हैं और ये जॉब काफ़ी अच्छी होती है एसिक में, जेई का इनके अलाउंसेस काफ़ी पर्क्स वगैरह होते हैं। इसका पे स्लिप वगैरह जैसे मिलेगा मैं शेयर कर दूंगी अपने चैनल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिप्लोमा और डिग्री, ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग डिप्लोमा देन ऑल्सो इट इज़ ओके, डिग्री है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, यहाँ पे क्लियरली मैंशन है। ठीक है, तो और इसके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन नहीं है, सो इफ़ यू आर फ्रेशर सो आप क्लियरली इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपके जॉब रोल्स दिए गए हैं, ड्यूटीज़ व्हाट यू हैव टू डू, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। और ऐसे ही मैं वैकेंसी नंबर 7 की बात करूँ तो यहाँ पे 20 वैकेंसीज आई है फॉर द जे इलेक्ट्रिकल के लिए। कैटेगरी वाइज डिवीजन यू कैन सी एससी में 3 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 1 एंड अनरिजर्व में 10 पोस्ट इज देयर। ओके, तो इस तरीके से 20 सीट इलेक्ट्रिकल में भी है, तो ये काफ़ी अपॉर्चुनिटी अच्छी है बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए, दोनों ही के लिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ इन्होंने आउट नहीं किया ना ही डिग्री को। ठीक है, बेसिकली जेई के लिए हमारा डिप्लोमा एसेंशियल कर देते हैं कहीं कहीं, तो बेसिक पे इसका वही है लेवल 6, एज लिमिट 30 इयर्स है, और यहाँ पे आप देख सकते हो डिप्लोमा और डिग्री बोथ आर एलिजिबल, नथिंग एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, और ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। आपके जॉब रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आपको क्या करना पड़ेगा क्या नहीं, तो ये तो चीज़ें हुई। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो आपको क्लियरली बता देती हूँ। इसका फॉर्म फिलिंग आप देख सकते हो 8th ऑफ अप्रैल से एक्टिव हो जाएगा, और जो लास्ट डेट है वो 27th ऑफ अप्रैल है, तो इनका जो फॉर्म फिलिंग का होता है ना वो काफ़ी कम वो ड्यूरेशन रखते हैं, जिससे काफ़ी लोगों को अवेयर नहीं होता, तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ, आप इसको अप्लाई कर देना जैसे इसका एक्टिव हो जाएगा लिंक, आई विल अपडेट यू ऑन दिस माई चैनल। ठीक है, लास्ट डेट 28th ऑफ अप्रैल है, 12 बजे तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, ये प्रिंटिंग ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन का है, लेकिन जो फिलिंग का है वो 27th ऑफ अप्रैल ही है, सो यू कैन सी यहाँ पे, उससे पहले ट्राई करना कि अप्लाई कर दो। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है दैट हाउ विल दे शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू, बेसिकली इनका इंटरव्यू इन्होंने मेंशन करा है कि वही होगा और वो किस बेसिस पे होगा, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे देख सकते हो पहली बात तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मैंडेटरी है, ठीक है, और वो आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगा। उसके बाद अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस काफ़ी इनके पास ज़्यादा अमाउंट में रिसीव हुए हैं तो ये किस तरीके से प्रायोरिटाइज करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट वाइज यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, अगर कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो वो होगा, तो दे विल प्रेफर दैट कैंडिडेट, एंड इफ नॉट देन इफ यू आर हैविंग एनी हायर क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगी, अगर डिप्लोमा प्लस बीटेक वाले होना तब अपना डिप्लोमा भी मेंशन करो और बीटेक भी मेंशन करो, बिकॉज अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो ऑब्वियसली दे विल कंसिडर यू। एंड फॉर द बीटेक कैंडिडेट्स व्हाट विल आई से, इफ यू आर हैविंग बीटेक प्लस एमटेक देन आपको अपना एमटेक हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि दे विल प्रेफर यू। ओके, तो उसके बाद ये तो पॉइंट हो गया हायर क्वालिफिकेशन वाला। कमिंग टू अनदर पॉइंट, अब ये कह रहे हैं कि इफ नॉट देन, अगर आपके पास हायर एक्सपीरियंस इन दैट रिलेवेंट फील्ड देन ऑल्सो यू विल बी प्रेफरेबल। ओके, और बाय काउंटिंग एक्सपीरियंस बिफोर और आफ्टर एक्विजिशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो अगर आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन के पहले भी किया है देन ऑल्सो दे विल काउंट दैट। और इफ़ यू बाई इन्वोकिंग एक्सपीरियंस इवन इन केसेज वेन देर इज़ नो एक्सपीरियंस मैंशन, लाइक डिप्लोमा वालों में कोई एक्सपीरियंस मैंशन ही नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आइदर एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज डिजायरेबल क्वालिफिकेशन।
तो अगर आपने उस केस में एक्सपीरियंस गेन करी है देन ऑल्सो दे विल प्रेफर यू। और अगर ये सारी चीज़ें उनको शॉर्टलिस्ट करने को भी नहीं मिल पाई तो व्हाट दे विल डू, दे विल कंडक्ट अ रिटन टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे वेटेज देखो कैसे दिया है, 75:25 का वेटेज दिया, लाइक 75 वेटेज विल गो टू द रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड 25% विल गो टू द इंटरव्यू। तो दे कैन कंडक्ट दैट, और मेरे ख्याल से मुझे लगता है जेई के लिए ये कंडक्ट कराएंगे ही कराएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली एप्लीकेशंस अमाउंट काफ़ी लार्ज में रिसीव होंगे। ओके, सो ये इनका प्रोसेस है। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बोली है कि कैटेगरी वाइज जो इंटरव्यूज़ में आपको क्वालिफाई करने का है ना, या फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट में, तो यू कैन सी यहाँ पे मेंशन है लाइक अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस को मिनिमम 50 मार्क्स यू हैव टू क्वालिफाई, लाइक 50% फॉर अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस। और दो ओबीसी कैटेगरी यू कैन सी 45 मार्क्स इज मस्ट एंड एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 40 मार्क्स, ठीक है, जो कि 100 मार्क्स का होने वाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इफ इन केसेस वेयर सिलेक्शन इज मेड बाय रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू, द कैंडिडेट विल हैव टू अचीव मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी। ठीक है, तो आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से मिनिमम वो अचीव करना पड़ेगा ऑब्वियसली टू क्रॉस दैट कट ऑफ टू गेट सिलेक्शन। सो ये तो प्रोसेस है। एंड फीमेल जो इसका एप्लीकेशन फी है दैट इज़ टोटली फ्री अप्रॉक्स एवरी वन के लिए, बिकॉज UPSC 25 rupees चार्ज करता है फीस फॉर ऑल द कैटेगरीज। SC ST फीमेल की कोई फीस नहीं होती PWD की, अब यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जनरल OBC EWS को सिर्फ ऐसे 25 rupees पे करना होता है, सो इट्स नॉट वेरी कोई ऐसा कुछ अमाउंट नहीं है। सो या दिस इज़ द थिंग। और इसके अब इसके रिगार्ड्स में और कुछ है नहीं अपडेट। ठीक है, तो आप इसको जैसे भी हो सकता है अप्लाई कर सकते हो। येस, वन मोर थिंग, डॉक्यूमेंट्स आप इसमें अपने अच्छे से अप्लाई करना वन बाय वन, अच्छे से इनको देखना, क्योंकि इनका डॉक्यूमेंट्स क्योंकि दे विल कंसिडरिंग योर क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एक बार चेक करके जो भी जितने साइज में बोला है यहाँ पे पूरे डिटेल्स दिए गए हैं। ठीक है, उसी फॉर्मेट में आप इसको अप्लाई करना। कास्ट सर्टिफिकेट योर शुड बी वैलिड, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी इनका लास्ट डेट है वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और ये अपडेट थी, और इसमें एज सच और कुछ ऐसा है नहीं। सो या दिस वॉज द अपडेट फॉर टुडे, एंड इफ़ यू वॉन्ट एनी काइंड ऑफ टेक्निकल जॉब अपडेट्स तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको अगर आपको PDF प्रीवियस ईयर पेपर सिलेबस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कुछ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। एंड ऑल्सो इफ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेरी तो आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।